नमस्कार दोस्तों, एसएटीक एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आशीष पांडे आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहा हूं आपके लिए। इतिहास में आपको मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको आज बताऊंगा और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो भी आपको मैं कवर कराऊंगा। कोशिश ये रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दो। आइए शुरू करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध है? इसमें ऑप्शन है ए सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो सभ्यता, ऑप्शन सी लोथल सभ्यता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास 3 सेकंड का समय है, आप बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी की सभ्यता। अब आपको इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो जान लीजिए। इसको हम दो नामों से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और अंग्रेजी में इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को हम इसलिए इस नाम से जानते हैं, हड़प्पा नाम से, क्योंकि जो हमने खोजा था पहला शहर इससे संबंधित वो हड़प्पा था। और इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसके ज्यादातर शहर जो मिले हैं, जो इसके ज्यादातर स्थल हैं, वो सिंधु घाटी में ही स्थित है। सिंधु घाटी में जो सिंधु नदी से निर्मित इलाका होता है वो काउंट किया जाता है, वो जो गिना जाता है। तो हम सिंधु नदी में, आप जब सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु सिस्टम के बारे में भूगोल में, तो उसमें आपको पता चलेगा कि सिंधु से संबंधित 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। तो इन नदी, ये सारी नदियां मिलकर के सिंधु घाटी का निर्माण करती हैं। तो ज्यादातर स्थल इसके सिंधु घाटी पर हैं, इसीलिए इसको हम सिंधु घाटी के नाम से जानते हैं। बाकी अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसमें आपका ऑप्शन है ए राखलदास बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी सर मोर्टिमर व्हीलर और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका उत्तर बताइए। ठीक है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी दयाराम साहनी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज हमारे दयाराम साहनी जी ने की थी और उसके बाद राखलदास बनर्जी जो हैं इन्होंने आपके मोहनजोदड़ो की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और जो खोजा था शहर वो हड़प्पा ही था दयाराम साहनी ने। उसके जस्ट एक साल बाद अगले साल राखलदास बनर्जी ने इसकी आपके मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कुछ परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को खोजने में किन दो भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान था, तो उसमें आपको दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी दोनों बताने, क्योंकि दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। और एक दो और इनसे संबंधित नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि इस समय जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी तो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जो पुरातत्व तो विभाग था उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके प्रमुख कौन थे? तो याद रखना, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल उसके प्रमुख थे, लेकिन खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के निर्देशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1922। तो आप इसका उत्तर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर है 1921, ऑप्शन ए 1921 इसका सही जवाब है। अब इससे संबंधित बातें आप जान लीजिए। 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी और इसीलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। जो आपके राखलदास बनर्जी थे उन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, तो ये दोनों को याद रखना है। देखिए, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं इनको हम सिंधु घाटी सभ्यता की
जुड़वा राजधानियों के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों शहरों को हम राजधानी भी बोलते हैं, जुड़वा राजधानी। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण यही दो शहर है हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज दयाराम सहनी और मोहनजोदड़ो खोज राखलदास बनर्जी। उस समय एएसआई के चीफ थे सर जॉन मॉर्सन। एक बात और याद रखिएगा, ऐसा एक कुछ प्रश्न देखने को मिलता है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने अंदाजा लगाया था, मतलब एक वैज्ञानिक थे या एक विद्वान थे जिन्होंने एक शंका जाहिर की थी कि कोई एक सभ्यता है जो दफन है सिंधु घाटी के इलाके में। तो वो थे श्री चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन थे जिन्होंने 1826 में ही सिंधु घाटी सभ्यता की भविष्यवाणी की थी। एक प्रश्न और देखने को मिलता है इससे संबंधित कि आपके पुरातत्व विभाग के कौन से प्रमुख थे जो हड़प्पा सभ्यता की महत्व को नहीं समझ पाए थे। तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को इसके बारे में कुछ जानकारियां मिली थी लेकिन उन्होंने इसको नजरअंदाज कर दिया था, इसकी महत्व को समझ नहीं पाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले हैं। तो ऑप्शन है आलमगीरपुर, कालीबंगा, सुरकोटदा और राखीगढ़। तो इसका उत्तर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुरकोटदा। तो देखिए, जो घोड़े के अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में वो आपको मिलेंगे सुरकोटदा। तो अगर हम महत्वपूर्ण पशुओं की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा है कि कई सारे जानवरों के बारे में हमको पता चलता है और इसका पता होने का सोर्स या माध्यम जो है वो यहाँ से मिले हुए कई सारे मुहर हैं। मतलब जो मुहर मिले हैं वो ज्यादातर मतलब मुहरों पे अलग अलग जानवरों के चित्र बने हुए हैं, तो उनसे हमको कई सारी जानकारियां मिलती हैं। तो जो मुहरें मिली हैं उनमें ज्यादातर सारे जानवरों के चित्र हैं, 2-3 जानवर जो महत्वपूर्ण है उनके चित्र नहीं है, वो परीक्षाओं में आपके पूछते रहते हैं। जैसे एक गाय, गाय के चित्र मुहरों पे नहीं मिलते हैं। दूसरा घोड़ा, घोड़े के भी चित्र मुहरों पे नहीं मिलते हैं। और तीसरा शेर, तो शेर के भी चित्र आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये तीनों जानवर थे जिनके चित्र नहीं मिलते हैं और इनमें से गाय और घोड़े की हड्डियां मिली हैं अलग अलग जगहों से, तो हमको पता है कि इनको इनकी जानकारियां थी, लेकिन शेर की कहीं से कोई अस्थियां भी नहीं मिली हैं, तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि शेर के बारे में जानकारी इनको नहीं थी। वहीं अगर बाघ की बात करेगा तो बाघ के बारे में जानते थे। अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि मुहरों पर सबसे ज्यादा किसके चित्र मिले हैं तो वो होगा सांड, और सबसे महत्वपूर्ण जानवर कौन सा था तो वो होगा गैंडा, एक सिंह वाला गैंडा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन है ए, मृतकों का टीला, ऑप्शन बी, मूर्तियों का स्थल, ऑप्शन सी, चूड़ियों का बाजार, और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से किस नाम से जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मृतकों का टीला। तो जो आपका मोहनजोदड़ो है इसको हम मृतकों के टीले के नाम से जानते हैं। देखिए, जो मोहनजोदड़ो शब्द है वो एक सिंधी शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, और इसका हिंदी में अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब निकलेगा मृतकों का टीला। इसको इंग्लिश में माउंट ऑफ द डेड भी बोलते हैं। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को जानते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ से बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, जैसे कि विशाल स्नानागार, विशाल धान्यागार, एक नाचती हुई लड़की की प्रतिमा, मूर्ति, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें मोहनजोदड़ो से मिले। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया करते थे। ऑप्शन ए, हरा रंग, बी, काला रंग, सी, लाल रंग, और डी है आपका, इनमें से कोई नहीं। इसका आपको उत्तर बताना है। इसका उत्तर होगा लाल रंग। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मिट्टियां बर्तन मिले हैं मिट्टी के,
उनमें ज्यादातर पर अधिकतर पर लाल रंग का प्रयोग किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी प्रमुख फसल थी? सातवां प्रश्न है आपको, इसमें आपको ऑप्शन है चावल और गेहूं, बी है जौ और गेहूं, सी है सिर्फ जौ और डी है मक्का और गेहूं। इसका आपको उत्तर बताना है। तो देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जौ और गेहूं। तो जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण फसल जो थी वो जौ और गेहूं थी। देखिए यहां से बहुत सारी कृषि से संबंधित चीजें हमको पता चलती हैं। अगर इनकी खेती की बात करें तो देखिए ये जो इनका व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था, दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय पशुपालन था। तो कृषि में सबसे महत्वपूर्ण इनके लिए जौ और गेहूं था। चावल के बारे में बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते हमको, एक दो जगह से थोड़ा बहुत प्रमाण मिलता है, वो भी ऐसा माना जाता है कि ये जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो रहा था तो उस समय का था। तो चावल जो है आपका वो उसके कुछ प्रमाण आपके रंगपुर और लोथल से मिलते हैं, लेकिन जौ और गेहूं का हर जगह से प्रमाण मिलता है। तो याद रखना है आपको, ये और भी चीजों से परिचित थे, दाल वगैरह से परिचित थे, और सबसे बड़ी बात अगर कृषि से संबंधित सबसे बड़ी बात है तो दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती इन्होंने शुरू किया था। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि कपास की खेती कहाँ से शुरू हुआ था तो उसमें आपको ऑप्शन मिल सकता है मिस्र की सभ्यता, चाइना चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसका उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता होगी। तो कपास की खेती शुरू हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता से, सबसे प्रमुख फसल आपकी जौ और गेहूं थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 है आपका, रंगपुर सभ्यता जो कि हड़प्पा की समकालीन थी कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन है सौराष्ट्र में, बी है हरियाणा में, सी है राजस्थान में, डी है पाकिस्तान में। तो इसका आपको उत्तर बताना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सौराष्ट्र में। देखिए रंगपुर जो है वो सौराष्ट्र में आपको मिलेगा, गुजरात में। ऐसे ही आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, अलग अलग स्थलों के नाम पूछ लिया जाएगा कि ये कहाँ पे स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है। इनमें से जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हड़प्पा की बात करेगा तो हड़प्पा इस समय पाकिस्तान में मिलेगा आपको, पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा मिलेगा। और अगर बात करें मोहनजोदड़ो की तो मोहनजोदड़ो भी इस समय आपको पाकिस्तान में मिलेगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा। रंगपुर की बात करेगा तो सौराष्ट्र में मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण शहर है लोथल, लोथल की बात करेगा तो वो आपको गुजरात में मिल जाएगा। लोथल के बाद की बात करें कालीबंगा एक शहर है, तो कालीबंगा कहाँ है, वो राजस्थान में है। एक और है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है, राखीगढ़ी आपके हरियाणा में है। ऐसे ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण शहर हैं, स्थल हैं जो अलग अलग राज्यों से आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुहर किससे बनी होती थी? इसमें ऑप्शन है ए सिलखेड़ी से, ऑप्शन बी पत्थर से, या ऑप्शन सी कांस से। इसका आपको उत्तर देना है। देखिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए सेलखेड़ी से। जो हड़प्पा सभ्यता की मुहर बनी गई थी वो सेलखेड़ी से बनाई गई थी। बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ से मुहर मिली है। मुहर आपको किसी धातु से नहीं बनाई गई थी, सेलखेड़ी। सेलखेड़ी को हम टेराकोटा भी नाम से भी जानते हैं और इसको हम साबुन पत्थर भी बोलते हैं। तो एक तरह की मिट्टी होती थी और ये आग में पका करके बनाया जाता था। इसमें बहुत सारे अलग अलग फोटो चित्र मिलेंगी। तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि मुहर पर सबसे ज्यादा चित्र किसके मिलते हैं, सांड के मिलते हैं। और एक योगी की मुहर, बहुत ही प्रसिद्ध मुहर मिली है, वो आपसे पूछ सकता है कि योगी की मुहर कहाँ से मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। और ऐसे ही संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, किस धातु से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे? ये आखिरी प्रश्न है। इसमें ऑप्शन ए है कांस्य से, ऑप्शन बी है लोहे से, और ऑप्शन सी है दोनों से। इसको आपको उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर होगा बी लोहा। देखिए अगर इनके धातुओं की जानकारी की बात की जाए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लोगों की, तो यहाँ के जो लोग थे ये लोहे से बिल्कुल अपरिचित थे, इनको लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की है धातु के मामले में, तो वो कांस्य युग था।
तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली धातु कांसा थी। तांबा भी खूब बड़े पैमाने पर उपयोग होती थी। एक और प्रश्न धातु से संबंधित बनता है। ये चांदी का उपयोग भारत में प्राचीनतम मतलब सबसे पहली बार चांदी का उपयोग कहाँ किया गया था, कब किया गया था? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। तो चांदी का उपयोग पहली बार भारत में हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ था। और ये लोग कांसे का भरपूर उपयोग करते थे, तांबा भी जानते थे, लोहे सोने से भी परिचित थे। लेकिन अगर परिचित नहीं की बात करेगा तो वो लोहे था। लोहे से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बिल्कुल अपरिचित थे। तो दोस्तों आज ये रहा 10 प्रश्न। इससे संबंधित और भी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपको अगली श्रृंखला में मिलेगा। आपको इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे ही प्रतिदिन आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के आपको वीडियो आप डेली मिलते रहेंगे। अगर आप ऐसे ही रोज अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।